Hello everyone, this is Mansi from Evithyati George and coming to question number 10, exercise 11.4. So now, in the following figures, find the area of the shaded portion. यहाँ पे आपके पास first figure है, जिसमें से ये जो area है, जो shade हो रखा है, इसका हमें area find out करना है. So you can see, ये हमारे पास एक rectangle given है, and उसके बीच में ये जो दो parts हैं, अगर मैं इसको minus कर दूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा. अगर पूरे का निकाल के इसको और इसको माइनस कर दे तो इतने एरिया का एरिया आ जाएगा. सो नाउ फर्स्ट लेट्स राइट इट डाउन. एरिया ऑफ, नाउ निकालना किसका है एरिया, एफ डी सी ई. सो एरिया ऑफ एफ डी सी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल विच इज रेक्टेंगल एबीसी, मतलब एबीसी का एरिया माइनस उसमें से ये और ये माइनस करना है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में है एंड सिंस ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. सो दिस मींस माइनस एरिया ऑफ पहले ये वाला ट्रायंगल दैट इज एईएफ. सो ट्रायंगल एईएफ एंड माइनस, ये माइनस कर दिया, इसके बाद ये भी माइनस करना होगा. सो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी. ठीक है, सो अब इनके फॉर्मूलास लिखते हैं. एरिया ऑफ एबीसी, इट इज एरिया ऑफ एबीसी डी फुल रेक्टेंगल. सो ये रेक्टेंगल है, सो दिस मींस लेंथ इनटू ब्रेथ. फाइन, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ. एईएफ ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, अब उसके बाद है एरिया ऑफ ईबीसी. ईबीसी अगेन ट्रायंगल है सो एरिया होगा इसका हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूलेस. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. सो फर्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल है उसका लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इज 18 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर. सो 18 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू, अब ट्रायंगल एईएफ, एईएफ में आपको बेस देखना है. अब अगर ये 90 डिग्री है सो बेस क्या होगा, एएफ. एएफ मींस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या होगी, एई. एई गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले ट्रायंगल पे विच इज ईबीसी. सो हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या होगा, ये 90 डिग्री है सो बेस हो जाएगा बीसी विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी, बीई दैट इज 8. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 इंटू 10 विल बी 180. यहाँ पे ये कट हो सकता है सो इसे कट कर देंगे. दिस विल बी 2 वन्स आर 2 एंड 2 थ्रीज आर 6. सिमिलरली इसमें भी कट हो जाएगा, 2 वन्स आर 2 एंड 2 फोर्स आर 8. नाउ 3 इंटू 10 30 माइनस 10 इंटू 4 40. सो दिस इज 180 माइनस 30, माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 40 इज 70. राइट, नाउ 180 माइनस 70 विल बी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस मींस कि जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपके पास है अगेन दिस इज द शेडेड रीजन, मतलब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, क्यू टी यू. सो क्यू टी यू अगेन इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस पूरे में से अगर हम ये और ये माइनस कर दे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा. सो दिस मींस एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ
इससे शुरू करते हैं पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू टी के बाद क्यू आर यू माइनस एरिया ऑफ थर्ड कौन सा ट्रायंगल बचा टी यू एस, राइट। सो अब इनकी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। फर्स्ट इज पी क्यू आर एस, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, सो एस आर मल्टीप्लाई बाय क्यू आर, राइट। नेक्स्ट है पी क्यू टी, पी क्यू टी ट्रायंगल पी क्यू टी का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस। अब ये 90 डिग्री पे है तो बेस क्या होगा पी टी, सो दिस विल बी पी टी मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट विल बी पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। नेक्स्ट ट्रायंगल पे आ जाते हैं क्यू आर यू, क्यू आर यू 90 डिग्री ट्रायंगल विल बी हियर, सो बेस हो गया यू आर, सो ये हो गया हाफ इंटू यू आर मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, हाइट विल बी क्यू आर माइनस थर्ड ट्रायंगल टी यू एस, अगेन हाफ इंटू बेस क्या है एस यू, सो दिस विल बी हाफ इंटू एस यू इंटू हाइट इज एस टी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमने लिए हैं लाइक एस आर क्यू आर टी टी एंड शो ऑल, सबकी मेजरमेंट्स देखते हैं किस किस की गिवन है, किस किस की हमें निकालनी पड़ेगी। सो वी राइट इट हियर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन एस आर, सो एस आर इज इक्वल टू एस आर कहाँ पे है दिस इज एस आर, सो 10 प्लस 10 दिस मीन्स दिस इज 20, एस आर आ गया 20। नेक्स्ट है क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू 20 ऑलरेडी गिवन है, राइट। नेक्स्ट है पी टी, सो पी टी, पी एंड टी गिवन नहीं है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 10, यहां से लेके यहां तक 10 है, ये पूरा 20 है, सो ये 20 है तो ये पूरा भी 20 होगा, सो 20 माइनस 10 विच विल बी 10, सो दिस मीन्स पी टी आ गया 10। नेक्स्ट है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू अगेन एस आर और पी क्यू इक्वल होंगे, ये हमने निकाला अभी एस आर 20, सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू एस आर विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वी हैव यू आर, सो यू आर विल बी इक्वल टू, अब यू आर कहां पे है दिस इज यू एंड दिस इज आर, ये गिवन है 10। उसके बाद वी हैव क्यू आर, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एंड आर इज 20। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है एस यू, सो एस यू इज इक्वल टू एस यू 10 गिवन है, सो ये हो गया 10। देन वी हैव एस टी, सो एस टी इज अगेन गिवन 10, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो जो हमने यूज करने सबकी लेंथ हमें पता चल गई है, सो लेट्स पुट दैट एस आर, एस आर इज 20 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर, क्यू आर इज 20 अगेन माइनस अगेन हाफ इंटू पी टी, पी टी इज 10 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, पी क्यू इज 20। अब बस हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है, अगेन हाफ इंटू यू आर, यू आर इज 10, क्यू आर इज 20 माइनस हाफ इंटू एस यू, एस यू इज 10 मल्टीप्लाई बाय एस टी विच इज 10 अगेन, राइट। सो नाउ अब यहां पे तो पहले जो कट हो रहे हैं वो कट कर लेते हैं, दिस विल बी 1, दिस विल बिकम 10 अगेन 1 10 एंड दिस विल बिकम 5, सो 2 इंटू 2 इज 4, दो जीरो लगा देंगे माइनस 10 इंटू 10 विच इज 100 माइनस
10 into 10, 100 again, minus 5 into 10, which is 50, right? So, we can write it as 400 minus minus plus, this will be 200. Then, again this will be minus 200 minus 50, minus minus plus. So, ye ho jayega minus 250. Now, 400 minus 250 will be 150 centimeter square. So, this area of shaded region is 150 centimeter square. So, this was question number 10. Now, let's come to the question number 11.